हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें दूर करनी चाहिए या एक्चुअल में फेस करनी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का पहला टॉपिक, आज का टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मींस जब हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, पूरे इंडिया की बात करते हैं, जहां पर 50% लोग अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी लाइफ को अर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो उस इंडियन एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। अब सबसे पहले बात करें हम इरिगेशन की, तो इरिगेशन का मतलब होता है फसल को पानी देना, सिंचाई करना। लेकिन इंडिया में आज भी फसल को पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए हमारे पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप कह सकते हैं नहरों से की जा सकती है, नदी से की जा सकती है, ट्यूबवेल से की जाती है, लेकिन उनकी पहुँच सीमित है। एक परमानेंट साधन हमारे पास नहीं है। किस चीज़ का? इरिगेशन का। सबके पास फैसिलिटी नहीं होती ट्यूबवेल लगाने की, सबके खेतों के पास से नहर नहीं जाती है। तो ये प्रॉब्लम है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, सुधारना चाहिए। दूसरा है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। हमारे किसानों के पास जो है वो फाइनेंस की क्या है, कमी है। मींस अपनी फसल को उगाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें बीज खरीदना पड़ेगा, खाद खरीदनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें क्या चाहिए, पैसा। लेकिन उन किसानों के पास पैसा ना होने की वजह से वो औरों से क्या लेते हैं, उधार। अब औरों से उधार लेने या जमींदारों से उधार लेने चक्कर में उनकी फसल बढ़ जाती है। तो फाइनेंस भी कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल आउटलुक। ये कन्वेंशनल आउटलुक का आप दूसरा कह सकते हैं ट्रेडिशनल आउटलुक। मीन्स जो खेती पुराने तरीके से होती हुई आ रही थी, आज भी उसी तरह से आप खाद को ले लीजिए, फर्टिलाइज़र, मींस इन सबको पुराने तरीके से ही यूज़ किया जा रहा है, पुरानी फर्टिलाइज़र को ही यूज़ किया जा रहा है, कुछ उसमें नया करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो मींस मैं कहना ही चाहता हूँ एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम यह है कि आज भी किसान पुराने तरीके से खेती करना चाहते हैं, वो नया तरीका अपनाना नहीं चाहते, नई मशीनों को अपनाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। वेल, आप सोच रहे होंगे अचानक से पढ़ते पढ़ते सर कहाँ से आ गए, ये वीडियो क्यों रुक गई। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ, इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि जी ये लेक्चर अवेलेबल है, आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर आपकी इसकी वीडियो डिटेल चाहिए, विच मीन्स पूरी वीडियो चाहिए, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके क्लिक कर लो। प्लस वहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मतलब जहाँ पर आपको सारी वीडियो क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। वेल, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समझने के बाद आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए फटाफट उसको देखे जाके, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।